थाना मधेगंज क्षेत्र के अंतर्गत थाने में तहरीर देते हुए बताया कि प्रार्थी निशा पत्नी रामसेवक तिवारी निवासी ग्राम भरावन थाना अतरौली तहसील संढीला जनपद हरदोई की निवासी है। प्रार्थिनी की बहू सुनीता उर्फ भाना पुत्री राम कुमार मिश्रा निवासी ग्राम कसैया जनपद हरदोई की रहने वाली है, जो कि बदचलन रही है और शादी के कुछ दिन बाद से ही मेरा पुत्र मेरे घर से थोड़ी दूर स्थित दूसरे मकान में अपनी पत्नी व बच्चों के साथ रह रहा था, लेकिन फिर भी बहू सुनीता अक्सर बिना किसी वजह के लड़ाई झगड़ा करके भागकर अपने मायके चली जाया करती थी। अभी कुछ दिन पहले उसने मेरे पुत्र से कहा था कि तुम हमको लखनऊ में रखो तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे पुत्र ने उसकी बात मानते हुए लगभग 15 दिन पहले लखनऊ के खदरा स्थित बड़ी पकरिया निकट भारत स्कूल सीतापुर रोड में एक मकान किराए पर ले लिया और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहने लगा। वर्तमान समय में लड़के के पास फोन नहीं था तो उसे अपनी मकान मालिक का फोन नंबर दिया था। विपिन ने 19 तारीख को शाम 4 बजे फोन किया और कहने लगा कि मम्मी हमको जितेंद्र बउआ निवासी ग्राम भटपुर जनपद हरदोई, मुकेश सुनीता और रिंकू निवासी कसैया जनपद हरदोई ने बहुत मारा है और मुंह से खून गिरने लगा है। मम्मी अब मेरा आखिरी समय है, और ये कहते हुए फोन काट दिया था। तो हमने तुरंत मकान मालिक को फोन किया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहुरिया सुनीता बहुत ही बदतमीज है, लड़ाई झगड़ा किया है और अपना सामान लेकर घर खाली करके चली गई है। तब से मेरे पुत्र से संपर्क नहीं हो पाया है। प्रार्थना ने अपने पुत्र को रिश्तेदार नातेदार और कई जगह तलाश किया किंतु उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप, कहा तहरीर 2 अक्टूबर 2024 को दिया था, 12 दिन हो गए हैं, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली है और वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। आपका नाम क्या है? निशा तिवारी। कहाँ रहती हैं? भरावन। क्या घटना घटित हुई? हमारा लड़का रहा था यहाँ रोड पर है, मकान में है। हाँ? 10 साल से अलग रहा है। एक बाद में उनकी बीवी 3 महीना अपने मायके में रही है। एक बाद में फोन करी हमारे लड़का पास कि हम लखनऊ में हमका लेके रहो चले, हम यहाँ नहीं रहा। तो एक बाद में फिर फोन हमारा लड़का कहला हुआ हमारी स्थिति नहीं, हम नहीं रह पेबे। फिर बहू फिर दूसरे दिन गाली गलौज करीस। एक बाद में तीसरे दिन फिर फोन पर कहें कि नहीं हमारे पास पैसा है, हम रह लिया चले चलो। फिर बुला ली भटपुर, भटपुर बुलाए कि अपनी बहन थी, उसके बाद में उधर से ने कमरा ढूंढी जाए लखनऊ में ही। फिर हमारा लड़का दूसरे दिन यहाँ सामान ले आवा भरावन, हमारे घर से सामान सारा सामान बांध ले गए। उसके बाद में हुआ 3-4-5 दिन रही हूँ लखनऊ। उसके बाद में कुछ आपसी लड़ाई मेहरिया मने इनके भाई है, तो अपने जो भाई और बहन कहीं बहन लड़का कहीं बुलाए गई हैं और हमारे लड़का कहीं बहुत मरवाई हुआ है। तो उनके बच्चे बयान कर रहे हैं, हमका तो मालूम नहीं रहा, उनके बच्चे बयान करी कि जो पापा कहीं वो लोग बहुत मारिन है मामा लोग और मुझसे फेना गिरेला। फिर हमका नहीं मालूम भाई, फिर हमार बहू वहाँ से सामान लेके अपने मायके भटपुर चली आई सामान लेके बहन के साथ में यहाँ। अब हमारे उस दिन ते लड़का का पता है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। उस दिन ते एक दिन शाम कहीं हमारा लड़का फ़ोन करी कि मम्मी अब हमारी आखिरी है और पापा को हम कुछ कर नहीं पाए हैं, तो ऐसा करो कि अब हमारा आखिरी है, अब जो हमारा बचना नामुमकिन है, बस फोन काट दिया। तब से हमारी हमारे लड़के की कोई बात नहीं हुई। लड़के का क्या नाम था? विपिन तिवारी। विपिन तिवारी, विपिन तिवारी, भरावन हरदोई। भरावन हरदोई। और लखनऊ में कहाँ रहते थे? लखनऊ में बड़ी पकरिया खदरा। खदरा। हाँ। थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई? हाँ, रिपोर्ट दर्ज कराई। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने यह बताया कि एप्लीकेशन लिखी के बाद हम कहें कि शाम कहीं वही नकल दे दिन जी है, फिर हमका नकल नहीं वहाँ से मिली। उसके बाद दूसरे दिन हम फिर गेंद 7-8 दिन के बाद तो कहीं हमसे मिल जी है तो हम पता कर दे, या तुमका मिल जाए तुम पता कर दो, हमारे कोई हुआ सुनवाई नहीं भाई। आज कितने दिन हो गए लगभग? लगभग आज गए हन की 3-4 दिन पहले गया रहा, उनके बाद में 1 महीना हुई रही है, 2 बार जा चुके हैं। अभी तक कोई सूचना नहीं मिली? कोई सूचना नहीं है कि जो कोई सूचना हमका देती, हम दर दर भटक रहे हैं, इसी उसी ढूंढ रहे, कोई जानकारी नहीं है कि न बुलाई गई है बहू हमार, ना हुआ जानकारी कोई है और ना हमारे बहू हमका अतलक पता दी है कि लड़का कहाँ है कहाँ नहीं है। और हमारे पोता के पास में फ़ोन करी, उनका लड़का 18 साल का है, वो बाहर काम करते थे, तो उनके पास फ़ोन करी है उनके भाई लोग और उनका बहनी की लड़का कि बोल रहे हैं कि 4 साल बाद तुम्हारे पापा आई हैं 4 लाख रुपये लेके, तो आयस करो भैया। कौन? जो है उनके मामा लोग, मामा, मामा और क्या नाम मामा का? हाँ, मौसी का लड़का मुकेश,
मतलब मामा का नाम है मुकेश और मौसी की लड़का जितेंद्र और मामा के दूसरे मामा का नाम है रिंकू और बउआ और पत्नी का नाम है भाना और सुनीता। अच्छा।